गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर 5, जो कि बिहार एसआई मेंस, बिहार एसएससी मेंस और बिहार ईएसआई के लिए चलाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान है। तो किसमें है? अनुच्छेद 54 में। आगे देखेंगे सेकंड नंबर। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने निर्वाचित सदस्यों द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से नहीं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार का प्रस्ताव अनुसमर्थन के लिए कम से कम 50 निर्वाचित सदस्य चाहिए। 1997 से पहले इसकी संख्या 10 थी, 10 निर्वाचकों द्वारा होता था, लेकिन अब कम से कम 50 चाहिए। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो सी ऑप्शन सही होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं और यह 66 अनुच्छेद 66 के 1 में वर्णन है। आगे देखेंगे फोर्थ नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंध प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने के संबंध में राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह अनुच्छेद 67 के ख में वर्णन है। आगे देखेंगे फाइव नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान। आगे देखेंगे सिक्स नंबर, कैबिनेट का तात्पर्य है। तो कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल में क्या है? तो यह प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का परिषद है। क्या है मंत्रिमंडल? प्रधानमंत्री एवं मंत्री स्तर के सभी मंत्रियों का परिषद। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कैबिनेट स्तर के मंत्री। आगे देखेंगे सेवन नंबर, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। अटॉर्नी जनरल, इसे महान्यायवादी भी कहते हैं और यह भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। कितना में है? अनुच्छेद 76 में वर्णित है। आगे देखेंगे एट नंबर, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो ये होगा 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई थी। आगे देखेंगे नाइन नंबर, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील को तैरता हुआ झील के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि यह अपनी सतह पर तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, और यह तैरते रहती है अपनी सतह पर, इसलिए लोकटक झील को तैरता हुआ झील भी कहते हैं, और यह मणिपुर में है। आगे देखेंगे 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर में है, बिल्कुल सही है। सांबर झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में, हुसैन सागर झील कर्नाटक में, ये गलत है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो यह तेलंगाना में है। यह भारत का एकमात्र कृत्रिम झील है, और यह तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद मुशी नदी के तट पर स्थित है, और यह झील भी मुशी नदी के सहायक नदी पर ही हुसैन सागर झील है। इस झील हुसैन सागर झील कब बनाई गई थी? तो यह 1562 ईस्वी में बनाया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर डी नंबर होगा। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत में प्रमुख वनस्पति है पतझर वन। पतझर वन उत्तर भारत में तथा समशीतोष्ण क्षेत्र में शरद ऋतु में होता है, जिसके कारण इसे इस मौसम के कारण ही इसे पतझर वन कहा जाता है। 12 नंबर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। यह रावी नदी पर पंजाब के पठानकोट जिले में थीन बांध बनाया गया है। इसे रंजीत सागर, थीन बांध को रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो यह 1982 में इसका निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन यह बनकर कब तैयार हुआ था? 1999 में यह बांध बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थान में से सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से इनमें से सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। यहाँ मात्र 40 सेंटीमीटर इस मानसून से वर्षा होती है। यहाँ मुख्यतः चेन्नई में मुख्यतः उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। तो चेन्नई में कहाँ होती है वर्षा? उत्तरी पूर्वी मानसून से, यानी लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। यह तूफान यानी कि काल वैशाखी तूफान पश्चिम बंगाल में ही आती है। इसका कारण ये है कि जब गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं एवं आर्द्र समुद्री हवाएं दोनों आपस में मिलती है, तो मूसलाधार बारिश होती है, जिससे तूफान भी आ जाता है, और इस तूफान को ही हम काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। तो यह होगा पश्चिम बंगाल में। आगे देखेंगे 15 नंबर। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। 16 नंबर। कौन सुमेलित नहीं है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, बिल्कुल सही है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, सही है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी मैक्सिको, सही है। मोजेब मरुस्थल, तो मोजेब मरुस्थल अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। ये कहाँ है? अमेरिका में। तो इस तरह से एक गलत ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। निम्नलिखित में से किससे पांच सागरों का पतन कहा जाता है? तो पांच सागरों का पतन कहा जाता है रूस की राजधानी मॉस्को को। मॉस्को यूरोप का सबसे बड़ा शहर है, और यह मुस्कवा नदी पर स्थित है। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो उष्ण महासागरीय धारा है गल्फ धारा। गल्फ धारा उत्तर अंध महासागर में प्रभावित होती है, और यह एक गर्म जल धारा है।
गल्फ धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसे खाड़ी की धारा यानी गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे 19 नंबर, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किए थे तारक नाथ दास। इस अखबार के माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज उठाई गई थी। फ्री हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से ही सामाजिक सुधारों के लिए आवाज उठाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यह अंग्रेजी में छापा जाता था, गुजराती में छापा जाता था, उर्दू में भी छापा जाता था। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, तमिल में यह छापा नहीं जाता था। इंडियन ओपिनियन पत्र महात्मा गांधी द्वारा 1904 ईस्वी में शुरू किया गया, 1904 ईस्वी में यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे चुना? तो इसका सही आंसर होगा मुहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के दौरान सम्राट शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया गया तथा यहीं से इन्हें इलाहाबाद में रख दिया गया था। आगे देखेंगे 22 नंबर, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में छोटा नागपुर में मुंडा जनजाति परिवार में हुआ था और बिरसा मुंडा का महाविद्रोह का समय है 1895 से 1900 ईस्वी तक। कब का समय है? 1895 से 1900 ईस्वी तक इनका उल गुलान महाविद्रोह का समय रहा है। आगे देखेंगे 23 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में किसने किया था? वक्त खां। यह वक्त खां ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने 1857 में विद्रोह के समय यह कमांडर इन चीफ थे। 1857 में क्या थे? कमांडर इन चीफ। आगे देखेंगे 24 नंबर, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने की दृष्टि। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य ही था भारत में राजनीतिक गतिविधियों को दूर रखना। क्या था? भारत में राजनीतिक गतिविधियों को दूर रखना। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। आगे देखेंगे 25 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। कांग्रेस सांप्रदायिक दंगा होने नहीं देना चाहती थी। आगे देखेंगे 26 नंबर, 1923 ईस्वी में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो यह स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इलाहाबाद में। 1923 ईस्वी में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? इलाहाबाद में। आगे देखेंगे 27 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनका मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, किसके द्वारा था किया गया था? तो यह अगस्त प्रस्ताव 1917 घोषणा के द्वारा। मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की थी। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। आगे देखेंगे 28 नंबर, किसने कहा मध्य रात्रि के
टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर सी। यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। आगे देखेंगे 29 नंबर, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो प्रकाश विद्युत सेल क्या बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को, बी नंबर ऑप्शन, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखेंगे 31 नंबर, अभिपादप वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां ऑक्सीजन का सांद्रण होता है। कैसे स्थान पे होता है, ऑक्सीजन का सांद्रण होता है, तापमान काफी कम होता है, वर्षा पूरे वर्ष होती है। तो इसका सही आंसर होगा वर्षा पूरे वर्ष होती है। यह वैसा पौधा है जो आश्रय के लिए बड़े बड़े वृक्षों पर निर्भर होती है, लेकिन यह परजीवी नहीं होती है। जैसे कि यह वृक्ष के तना, शाख, दरार में उपस्थित मिट्टी के ऊपर छोटे छोटे उग जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, वर्षा पूरे वर्ष होती है। आगे देखेंगे 32 नंबर, किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा लकड़ी काटना। लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ती है, जबकि इसके विपरीत वन रोपण से पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है वन रोपण। आगे देखेंगे 33 नंबर, वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं। तो वंशागति के नियम के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है। तो रक्त, इसका सही आंसर होगा रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का कार्य ही होता है शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ना। संयोजी ऊतक का क्या कार्य होता है, तो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना। प्राणियों में संयोजी ऊतक का मुख्य घटक क्या है, कोलेजन नामक प्रोटीन है। आगे देखेंगे 35 नंबर, किसी गैस को दबाने पर क्या होता है। तो किसी गैस को दबाने पर दाब एवं तापमान दोनों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो इसमें होगा परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर 1, परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है एवं परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने कब किए थे, 1867 से 68 में इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे, और उस टाइम इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया का अनुमान लगाया था। प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमान लगाए थे, 20 रुपया। 38 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 52.97%। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र, इसका योगदान है 19.83%, जो कि सबसे कम है। द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र, इसका योगदान है 27.2। इस तरह से इस सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, एवं सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। आगे देखेंगे 39 नंबर, गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है। तो यह गिल्ड एंड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। गिल्ड एंड बाजार का अर्थ होता है सर्वोत्तम या उत्कृष्ट।
या सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन संबंधित है, तो यह मिशन संबंधित है राजीव गांधी आवास योजना से। यह 2 जून राजीव गांधी आवास योजना 2 जून 2011 को शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक, तो मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? बी एस नेपाल को 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इनका अन्य और कृतियां हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, और दूसरा क्या है, ए बेड इन द रिवर। ये दोनों कृतियां बी एस नेपाल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में। यह पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 10 नवंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 नवंबर को ही विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर यह यूनेस्को द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हीना सिंधु किस खेल से संबंध रखती है? तो यह निशानेबाजी से संबंध रखती है। हीना सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम के दौरान इंडिया को पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलवाई थी। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए नंबर, निशानेबाज से यह संबंधित है। आगे देखेंगे 44 नंबर, चुक्कर किस खेल से संबंधित है? तो चुक्कर पोलो खेल से संबंधित है। पोलो खेल क्या होता है? पोलो खेल घोड़ों पर खेला जाने वाला खेल है, और इसमें एक साइड में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। यह घोड़ों पर खेला जाता है। आगे देखेंगे 45 नंबर, किस ग्रुप में खेलों के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो पोलो एवं वाटर पोलो, इसमें समान होती है, बिल्कुल सही है। पोलो में 4 होती है। इसका सही आंसर होगा बेसबॉल एवं खो खो। इनमें बेसबॉल एवं खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, बाकी के अंत 3 ऑप्शन गलत है। सही होगा सी नंबर, बेसबॉल और खो खो 9 खिलाड़ी होते हैं दोनों में। आगे देखेंगे 46 नंबर, तेरा ताली लोक नृत्य है, तो तेरा ताली लोक नृत्य है राजस्थान का। 47 नंबर, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो यह बायलिन बजाने में निपुण थे अल्बर्ट आइंस्टीन, बांसुरी, चौरसिया, बांसुरी बजाते हैं। आगे देखेंगे 48 नंबर, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप जारी की है? तो यह हरियाणा के सरकार ने यह ऐप जारी की है। हरियाणा के सरकार ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए यह ऐप संपर्क बैठक ऐप जारी की है। इस ऐप के माध्यम से बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर सकेंगे। और हरियाणा के CM कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के CM है। आगे देखेंगे 49 नंबर, जम्मू कश्मीर के किस जिले को सबसे पहले कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया है? तो कोरोना वायरस सबसे पहले मुक्त घोषित किया गया है पुलवामा को। आगे देखेंगे 50 नंबर, किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत किया है? तो जीवन अमृत योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, और जीवन अमृत योजना के तहत वहाँ की सरकार 50-50 ग्राम का काढ़ा का पैकेट हर घर में बंटवा रही है, जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एवं कोरोना वायरस से बचने के लिए यह योजना शुरू की गई है। और इसका लक्ष्य है करीब 1 करोड़ लोगों को निशुल्क काढ़ा का वितरण करना।
तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।